हेलो एंड वेलकम टू द सेवेंथ एपिसोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी सीरीज। आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि जो शोल्डर गर्डल होता है, जिसमें हमारा पूरा शोल्डर का जो गर्डल मूवमेंट होता है, उसको आप किस तरह से स्ट्रेंथ करें। शोल्डर गर्डल के जो हमारे मूवमेंट होते हैं, उसमें जनरली होता है प्रोट्रैक्शन, यानी हम कंधे को आगे लेके आते हैं, इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्शन, इसको बोलते हैं रिट्रैक्शन, इसको बोलते हैं एलिवेशन। तो ये तीनों मूवमेंट में जो हमारी मसल्स मेजर काम करती है, वो होती है पेक्टोरल मसल, ऊपर से ट्रेपीजियस और पीछे से आपकी रोम्बोडियस मसल्स। इन सभी मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आर्म मूवमेंट में ये सभी मसल्स अपना अपना रोल प्ले करती है। और डेल्टॉइड जो कि मेजर मसल है, उसके लिए अभी तक हमने बहुत सारी एक्सरसाइज बताई है, लेकिन अभी जो हम एक्सरसाइज बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कंप्लीट शोल्डर गर्डल के लिए। इसे शुरू करने के लिए आप सबसे पहला जो मूवमेंट करना है, वो है शोल्डर प्रोट्रैक्शन। इसे आप सीधा लेटकर आराम से दोनों कंधों को ऊपर इस तरह से उठाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि संतोष जी का जो ये वाला पोर्शन है, ये एक्सरसाइज करते करते इतना अच्छा टोन हो गया है कि वो इससे भी ज़्यादा अच्छा उठने लग गया है। लेकिन इसे और अपन मजबूत करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह का 2 kg का वेट कफ यहाँ इसको स्टेबल कर देंगे, यहाँ रोक देंगे। रिलैक्स, छोड़िए, नीचे छोड़िए, अब उठाइए और इसे उठाना है। तो ये एक तरह का रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा और इसे 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। इस तरह से आप इसे 15 बार रिपीट करेंगे। नेक्स्ट मूवमेंट जो हमें करना है, वो करना है शोल्डर रिट्रैक्शन, यानी आपको शोल्डर को पीछे ले जाना है। इसके लिए आपको पूरे कंधों को एक साथ ऊपर की तरफ इस तरह से उठाएंगे। अगेन फिर वही, आपको ये जो वेट है वो कंधे के ऊपर रखना है। अभी आप देख सकते हैं जो संतोष जी का लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है, उसके कंधे के ऊपर जस्ट मैंने ये रख दिया है और इन्हें इसे उठाने में काफ़ी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। आप शुरुआत में बिना वेट के भी इसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में इतना अच्छा मूवमेंट नहीं होता। तो शुरुआत में आप इसे बिना वेट के ही सारी एक्सरसाइज शुरू कीजिए, और जैसे जैसे आपको लगे कि आप ऊँचा ईजिली उठ पा रहा है, तब आप अपना वेट धीरे धीरे 0.5 से 1, 1 से 2 kg पे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। इस तरह से आप ये दोनों एक्सरसाइज सीधा लेट के और फिर उल्टा लेट के करेंगे। जो नेक्स्ट मूवमेंट हमें करना है, वो करना है शोल्डर एलिवेशन। इसके लिए आपको सिटिंग में आना पड़ेगा। एलिवेशन मूवमेंट करने के लिए आपको सिंपली आपको दोनों कंधों को ऊपर उठाना है। तो इस तरह से आप इसे दोनों कंधों को इस तरह से होल्ड करेंगे, झटका नहीं देना, बिल्कुल आहिस्ता से उठाएंगे। और जैसे जैसे ये मूवमेंट आपका अच्छा लगने लग जाए, तो आप यहाँ वेट रखना चालू कर देंगे। इस तरह से आप यहाँ वेट रखेंगे, 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे एंड देन धीरे धीरे इसे नीचे करेंगे। ये सभी एक्सरसाइज जो हम इस ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी सीरीज के अंदर बता रहे हैं, वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन सभी वीडियो को सीरीज 1 से लेके और जहाँ तक सीरीज बन रही है, उसे वहीं सीक्वेंस से देखें। तभी आपको ये सारी एक्सरसाइजेस धीरे धीरे अच्छी तरह समझ में आने लगेगी और आप इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठा पाएंगे। आई एम डॉक्टर दीपक सोनी, डायरेक्टर ऑफ वेलबींग फिजियो। जल्दी मिलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के एक और बढ़िया वीडियो के साथ।